Hi guys, welcome Welcome back back to to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine. And today we are doing another most requested video. मैं कोई भी मेकअप वीडियो पोस्ट या इंस्टाग्राम या यूट्यूब कहीं भी कुछ भी पोस्ट करूँ ना एक कॉमन तो जरूर आता है आपका lip shade क्या है या फिर कोई अच्छी सी nude लिपस्टिक बता दो मैं काफी बार अपनी स्टोरीज पे भी nude लिपस्टिक्स uh, share कर चुकी हूँ अपनी favorite. But मैंने सोचा की इतने ज्यादा जब questions आई रहे हैं तो वाई नॉट मेक अ कम्पलीट वीडियो अबाउट इट तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली My favorite nude lipsticks. Now I am a sucker for nude lipsticks. एंड स्पेसिफिकली ब्राउन टोन न्यूड लिपस्टिक्स मुझे मेरे फेस पे ब्राउन टोन बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं जनरली न्यूड लिपस्टिक्स में भी ब्राउन की टूवर्ड इनक्लाइन होती हूँ तो मैं आज अपने brown nude lipsticks आप साथ करने वाली हूँ बी अ लॉट ऑफ वेराइटी फ्रॉम मैथ टू ग्लॉसी टू बुलेट लिपस्टिक्स टू लिक्विड लिपस्टिक्स एवरी थिंग आई विल कवर इन टू डेज वीडियो आज का वीडियो एंड तक देख लो आपको और कहीं भी न्यूड लिपस्टिक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो so, या yeah,

तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस लिपस्टिक की जो मैंने अभी लगाई है एंड ऑल्सो ये पूरा जो मेकअप लुक है ना ये आप लोगों की चॉइस से है तो मैंने अभी अभी एक वीडियो किया है इंस्टाग्राम फॉलोवर्स कंट्रोल माई मेकअप लुक अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक कर रही हूँ देख लेना तो बात करते हैं इस लिपस्टिक ये है एक बहुत ही ब्यूटीफुल वॉर्म टोन ब्राउन न्यूड लिपस्टिक जो है फ्रॉम द ब्रांड प्लम सो नाउ दिस इज देयर मैट इन हेवन लिक्विड लिपस्टिक बहुत ही ज्यादा प्रिटी शेड है एंड इट इज सुपर 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 कंफर्टेबल ऑन द लिप्स इतनी ज्यादा लाइट वेट लिक्विड लिप्स કે 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 और उसके ऊपर से वो लिक्विड लिपस्टिक लगा लो यू यूल बी गुड टू गो

मेकअप कर लो चाहे एकदम बोल्ड आइज कर लो ये एक ऐसी लिपस्टिक है जो सारे के सारे लुक्स के साथ बहुत अमेजिंगली जाती है तो जब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या ना तो मैं इसको लगा लेती हूँ ये थोड़ी सी कूल टोन की तरफ है एंड ऑल्सो इसमें थोड़े बहुत पिंक अंडर भी हैं बट दिस इज अ ब्यूटिफुल न्यू लिपस्टिक एंड इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल टू नाउ अगेन इट इज वेरी वेरी लाइट एंड कंफर्टेबल ऑन द लिप्स इट ग्लाइड्स ऑन स्मूथली बट बिकॉज ये एक बुलेट uh, लिपस्टिक है तो ये ट्रांसफर प्रूफ तो नहीं है यू कैन सी इट ट्रांसफर्स बट येस इट सेटल्स डाउन मैट तो काफी ज्यादा मैट फिनिश आपको देगी तो अगर आप शॉर्ट इंटरवल के लिए लिपस्टिक यूज करना चाहते हो तो वो तो ये परफेक्ट है लॉन्ग टाइम के लिए परफेक्ट नहीं है बट हाँ अगर आप टचअप कर सकते हो तो अगेन इट इज़ वेरी वेरी गुड सो आई रियली लव दिस लिपस्टिक मैं हमेशा इसे अपने पर्स में रखती हूँ चाहे मैं लिक्विड लिपस्टिक भी लगाऊँ क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक्स ना टचअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सो आई यूज़ दिस वन फॉर दैट

Everyday use it is a beautiful colour and it gives more of a satin matte finish, completely matte he dry cut, but it looks beautiful and it is one of my favorites. सो दिस इज द नेक्स्ट लिपस्टिक दिस इज फ्राम माई ग्लाम सैट एंड मैट लिपस्टिक रेंज इन द शेड टू ब्रोक गर्ल्स एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल न्यूट शेड ना तो कम्प्लीटली मैट है ना बहुत ज्यादा ग्लॉसी है वो परफेक्ट सैट एंड मैट फिनिश देता है लिप्स को एंड इट लुक्स एब्सिल्यूटली स्टनिंग एंड इट वुड सूट अ लॉट ऑफ इंडियन स्किन टोन्स तो ये काफ़ी ज्यादा प्रिटी लगता है अगैन फॉर अ डेली वेयर इट इज परफेक्ट बट बिकॉज बुलेट लिपस्टिक है तो ट्रांसफर प्रूफ या लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है बट इट फील्स वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड बट

and this is सच ओ प्रीति शेड बहुत ही ज्यादा सुंदर न्यू शेड है वो so, मैंने पिछले सैट एंड मैट लिपस्टिक दिखाया था ना शेड कुछ वैसा ही है बट देन दिस इज सुपर सुपर शाइनी मैं इसको जब भी लगाती हूँ ना तो मालूम नहीं पड़ता है कि लिपस्टिक लगा रही हूँ या लिप बाम लगा रही हूँ इतना ज्यादा ये स्मूद है एंड इट फील्स बटर ही सॉफ्ट ऑन द लिप्स ये मेरी सारी न्यू लिपस्टिक्स इनफैक्ट सारी लिपस्टिक्स इन जनरल में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा लाइट और स्मूथ लगती है लिप्स पे इसे वियर करना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बट ये बिल्कुल भी ट्रांसफर प्रूफ नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग भी बिल्कुल भी नहीं है तो अगेन बुलेट लिपस्टिक है तो शॉर्ट पीरियड के लिए तो अच्छी रहती है शेड बहुत सुंदर लगती है एवरीडे यूज के लिए परफेक्ट है बट अगर आप नाइट इवेंट्स डिनर पार्टीज वगैरह के लिए जा रहे हो तो आप इसको नहीं लगा पाओगे बट दिस लिपस्टिक इन इट्स सेल्फ इज रियली रियली प्रिटी एंड कैन वी अप्रिशिएट द पैकेजिंग प्लीज दिस इज सो बूजी। आई रियली लव दिस लिपस्टिक एंड एम डेफिनेटली गोन पिक आउट अदर शेड्स फ्रॉम दिस रेंज आई लव इट सो दिस इज द नेक्स्ट लिपस्टिक दिस इज फ्रॉम शुगर मैटेज हेल क्रियॉन लिपस्टिक रेंज इट इज इन द शेड ट्वेंटी नाइन मॉली ब्राउन नाउ दिस इज अगेन अ वेरी वॉर्म टोन्ड न्यूड कलर इसमें थोड़े थोड़े ऑरेंज के अंडर टोन्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है अगर आपने बहुत ही बेसिक सा आई मेकअप किया है ना और इसको लगा लो एकदम चेहरा खिल जाता है ये वैसा शेड है एंड इवन विदाउट मेकअप दिस लुक्स ब्यूटिफुल आई रियोली रियोली लव दिस लिपस्टिक और इसका फॉर्मूला बहुत अमेजिंग है एकदम मैथ ड्राई करता है और लॉन्ग लास्टिंग भी है इतनी जल्दी रिमूव नहीं होता है हाँ अगर आप कुछ खाते हो ना तो उसके बाद तो जल्दी निकल जाता है बट कंपेयर टू अदर बुलेट लिपस्टिक्स ये काफ़ी ज्यादा टाइम तक स्टे करती है ये वाले लिपस्टिक का फार्मूला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस रेंज की ना मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक्स है आई जस्ट लव द फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला तो बहुत ही अमेजिंग है यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट दिस इज द नेक्स्ट लिपस्टिक अगेन फ्रॉम द सेम रेंज मैंने आपको बताया ना मुझे पसंद है तो ये है शेड नाइन वुड हाउस है या न्यूड लिपस्टिको करते हो आपको पता होगा कि ये लिपस्टिक तो हमेशा मेरी लिस्ट में रहती है ये लिपस्टिक इतनी ज्यादा सुंदर है आप शेड देखो दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट न्यूड शेड बहुत ज्यादा मुझे ये शेड पसंद है ये एक ऐसा शेड है ना जो बहुत सारे स्किन टोन्स पे बहुत अच्छा लगेगा एंड प्लस अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि फॉर्मुला बहुत अच्छा है तो काफी देर तक ये स्टे करता है एंड ये एकदम मैट ड्राई हो जाता है सो अगेन वन ऑफ दो हूँ माई मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक्स अभी ना बुलेट लिपस्टिक्स और क्रेन लिपस्टिक्स ओवर हो गए हैं तो ये नेक्स्ट शेड है ये एक लिक्विड लिपस्टिक है अगेन दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स फ्राम द बिगिनिंग ये है मे बी ली इनकी सुपर स्टेमैट इंक इन द शेड सिक्सटी फाइव सी डॉक्ट्रेस अगेन दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल शेड ना वो क्या होता है ना इस लिपस्टिक के साथ जब मैंने फुल फेस ऑफ मेकअप किया है तो ये लिपस्टिक ना चल जाती है मतलब इट इज ऑन दैट वर्ड कि वॉश आउट नहीं कर रही है बट कर रही है ऐसा वाला तो मैं इसे मेकअप फुल फेस ऑफ मेकअप के साथ तो फिर भी वेयर कर सकती हूँ बट विदाउट मेकअप दिस वॉश मी आउट कम्पलीटली तो इस लिपस्टिक को ना मैंने जो आपको इससे पहले सारे न्यू शेड्स दिखाए ना तो मैं उनमें से कोई सा भी एक बेस लगाती हूँ बुलेट लिपस्टिक का उसके ऊपर मैं इस लिपस्टिक को लगा लेती हूँ तो इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है ना कोई कोईसी भी लिपस्टिक मैं इसके नीचे लगा लू उसके ऊपर मैं इसको टॉपअप कर देती हूँ ना तो मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसको मोस्टली लिपस्टिक टॉपर की तरह यूज करती हूँ इतना ज्यादा सुंदर न्यूट शेड है ना कि ये कोई भी लिपस्टिक को ना लॉन्ग लास्टिंग भी बना देता है एंड प्लस द शेड लुक्स ब्यूटिफुल अगर आप मेरे स्किन टोन से लाइटर हो ना ये तो आपके लिए एकदम परफेक्ट न्यूट शेड होने वाला है बट अगर आप मेरे स्किन टोन से डार्कर हो तो, तो ये आपको बिल्कुल वॉश आउट कर देगा बट आप थोड़ा नीचे डार्कर बेस लगाओ ना उसके ऊपर इसको लगाओ तो बहुत अमेजिंग लगता है एंड प्लस ये सुपर स्टे एक्चुअली सुपर स्टे है आप कुछ भी खा लो पी लो जस्ट गो एंटायर डे विद दिस लिपस्टिक ना ये बिल्कुल रिमूव नहीं होती है मैं तो कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है तो इसको लगा लेती हूँ किसी भी नीचे बेस लिपस्टिक के साथ तो मेरी लिपस्टिक तो पूरे दिन रहती है और मुझे टचअप की भी जरूरत नहीं पड़ती है

तो जो पिछली वाली दिखाई थी ना उसमें थोड़े से पिंक के भी अंडरटोन्स हैं बट ये एब्सिल्यूटली परफेक्ट ब्राउन न्यूड लिपस्टिक है विथ कूल अंडरटोन्स तो ये इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है और ये इतना ज़्यादा प्यारा न्यूड कलर है तो जब मैं फुल फेस ऑफ मेकअप करती हूँ ना तो ये चल जाती है बट अगेन आ, बिना मेकअप के ये मुझे वॉश आउट कर देती है तो इस लिपस्टिक को भी मैं मोस्टली ऑन नहीं यूज़ करती हूँ जो मैंने आपको पहले बुलेट लिपस्टिक्स दिखाई थी उनमें से किसी एक का बेस दे के एंड देन आई अप्लाई दिस लिपस्टिक एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल कूल टोन ब्राउन शेड इतना ज़्यादा सुंदर लगता है एंड अगेन इट इज़ सुपर लॉन्ग लास्टिंग सुबह लगा लो शाम तक टचअप की जरूरत नहीं है सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड अ लॉन्ग लास्टिंग तो अगर आपने ये रेंज नहीं ट्राई किया है ना तो ज़रूर कर लेना सो so, ये है आज का लास्ट न्यू लिप ऑप्शन ये एक लिप ग्लॉस है फ्रॉम एल्फ ये एल्फ का लिप प्लम्पिंग ग्लॉस है इन द शेड मौका ट्विस्ट नाउ आप लोग को पता है मैं ग्लॉस तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती हूँ बट दिस ग्लॉस इज नॉट एट ऑल लाइक द अदर ग्लॉसेज आप देखो बिल्कुल स्टिक नहीं करता है वरना ऐसा करना में ना लिप ग्लॉसेस में ना ऐसे स्ट्रिंग से बन जाते हैं आई हेट दैट बट दिस लिप ग्लॉस इज सो 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 कंफर्टेबल ऑन द लिप्स एंड इट डज़ नॉट फील स्टिकी और एनी थिंग एट ऑल बट क्योंकि ये एक लिप प्लम्पिंग ग्लॉस है ना तो थोड़ी देर तक लिप्स में ना वो एक टिंगलिंग सा सेंसेशन होता है जैसा कि पेपरमिंट वगैरह अगर लिप्स पे लग जाए ना वैसे वाली फीलिंग आती है बट इससे कोई भी प्लम्पिंग इफेक्ट तो नहीं मिलता है तो जो ये बोलते हैं वो तो ये बिल्कुल नहीं करता है तो मेरे लिप्स बिल्कुल भी इसको लगा के प्लम्प तो नहीं होते हैं बट but... एज ए लिप ग्लॉस दिस इज ब्यूटिफुल तो जब भी मुझे एक हाई ग्लॉस लिप का मन करता है ना तो मैं इस ग्लॉस को यूज कर लेती हूँ और अभी मैंने ये ग्लॉस ऑन इट्स ओन लगाया इसके नीचे कोई भी लिपस्टिक नहीं है तो आप इसका पिगमेंट देखो काफी ज्यादा अच्छा पिगमेंट है और एकदम एक स्वाइप में अच्छे से आपके लिप्स को कवर कर लेता है इसमें काफी ज्यादा और भी शेड ऑप्शन आते हैं आप इसको लिपस्टिक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो और ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगता है सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ग्लॉसेज सिर्फ दो तीन ही ऐसे ग्लॉसेज है जो मैं यूज करती हूँ वरना बाकी तुम बस पड़े-पड़े पड़े वेस्ट हो रहे There are a few things that I want you to keep in mind while you are getting your perfect brown nude shade. So the first thing is that I am a medium skin tone with warm undertones. So if you are skin tone or undertone, ke ho, so you know how the lipsticks would look on you. And just for a reference, I am Maybelline Fit Me shade number 230. And if you are lighter or darker to me, you can make out how the shades would look on you. And the second thing is that the lipsticks that are washing me out, if you are lighter to my skin tone, then they are going to suit you perfectly. If you're darker to my skin tone, you will have to use a darker brown lip liner, or you can also give a base of a bullet lipstick, a darker bullet lipstick, and then top it off with a liquid lipstick, and it will be beautifully nude as well as long lasting. So, yeah, these were all the things that you need to keep in mind, and you can choose your perfect nude shade. I hope you liked today's video and found it helpful. If so, then please consider hitting the like button and drop in the comment box. बिलो अदर वीडियो दैट यू बोट वॉन्ट मी टू मेक ऑल्सो मैं इससे पहले भी दो लिपस्टिक जो कि काफी ज्यादा आपको रहेंगी तो मैं उन्हें आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी सो मेक श्योर यू चेक दम आउट इज वेल एंड येस इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज हिट दट रेड सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माई अपलोड नाउ आई विल सी यू सुपर सुपर सुन इन माई नेक्स्ट स्टेफ स्टेल्दी बाई बाई